जनपद रायबरेली की तहसील महाराजगंज में आज उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के सचिव सुशील पासी और सैकड़ों की तादाद में किसानों ने पहुंचकर सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए गए कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं तहसीलदार को चार सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव का कहना है कि कृषि बिल संसद में बिना बहस और चर्चा के पारित कराकर कानून बना दिया गया। लॉकडाउन में कानून बनाना गहरी साजिश का हिस्सा है। इस कानून से सिर्फ राजनीतिक फंडदाताओं को ही फायदा मिलेगा, अन्नदाताओं को नहीं। मजदूरों की आवाज को साजिश बताना ये बहुत शर्मनाक है। हम बिल को कतई पास नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई भी धरना देना पड़े या फिर आर पार की लड़ाई ही क्यों ना लड़नी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान सुशील पासी ने राष्ट्रीय महोदय के नाम उपजिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा, जिसमें चार सूत्रीय बिंदुओं पर चर्चा की गई। कहा गया कि इस मामले में सरकार जल्द से जल्द निर्णय ले, अन्यथा सारे किसान आंदोलन को मजबूर होंगे। देश में संसद का शीघ्र सत्र बुलाया जाए, जिस कृषि बिल पर पुनः बहस कर कृषि कानून को निरस्त किया जाए। वहीं दूसरी मांग में संसद में किसानों और मजदूरों की आय पर चर्चा कराई जाए, किसानों के कर्ज बिजली बिल माफ किए जाएं, एमएसपी पर कानून बनाया जाए और एमएसपी से कम पर फसल खरीदना अपराध माना जाए, आदि बिंदुओं को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। उस खेत को भी नापने के लिए सरकारें तैयार नहीं है, कैसा देश बना दिया। हमारी जमीन को नापना है तो पहले इस देश का किसान भूखा नंगा वो घर से चलता है, तो सरकारी खर्च में जितना जमा करेगा तो जमा ही करेगा, अगर ऊपर से भी खर्च करने की जरूरत पड़ी, देश में कैसे किसान खुशहाल हो सकता है, ये बहस की जरूरत है। अगर इस देश में ये बहस नहीं होगी तो हमारा मानना है कि देश किसान मजदूर और व्यापारियों से चलता है। देश कोई टुकड़ा नहीं है, देश में रहने वाले लोगों से देश बनता है। जो किसान है, जो मजदूर है, जो व्यापारी है, जो छोटे कारोबारी है, जो ठेला लगाते हैं, जो गुमचा लगाते हैं, जिनके पास खेत नहीं है दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं, जिनके पास 10-20 खेत है, किसी के पास तो खेत भी नहीं है, तो इस देश में ये कानून बने कि देश में जितने भी भूमिहीन हैं, क्या इस देश की सरकारें उनको जमीन देने के लिए तैयार करने का काम करेंगे। इस देश की सरकारें सेना के लिए, हॉस्टल के लिए और तमाम गरीबों को अनाज बांटने के लिए अनाज खरीदने का काम करती है। अब ये देश की सरकारें बड़ी बड़ी कंपनियों से अनाज खरीदने की साजिश कर रही है। इसलिए हमारी मांग है कि एमएसपी को इस देश में कृषि कानून के तहत एक संवैधानिक कानून बनाया जाए, जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल एक कीमत पर पूरे हिंदुस्तान में खरीदा जाता है, उसी तरीके से इस देश के किसानों की फसल एक कीमत पर इस देश में खरीदने के लिए कानून बनाया जाए। अगर उसके और चाहे कोई बड़ा उद्योगपति खरीदे, उससे कम पे खरीदना अपराध माना जाए। और दूसरा हमारा आपसे ये निवेदन है कि बिना बहस के जो ये कानून बना है पुनः पार्लियामेंट में बहस कराई जाए और देश हित में मजदूरों और किसानों की बेहतरी और खुशहाली के नाम पर चर्चा कराई जाए। क्या इस देश का किसान और मजदूर खुशहाल है? हमारे सामने राजस्व विभाग